शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर हंगामा हो गया है। इसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। बीजेपी ने इसका तीखा विरोध किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन का खतरा एकदम साफ है, लेकिन सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। लगे हाथ राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नसीहत दे डाली। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रेपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है। वहां पे चार बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना के जवानों के पिटने की बात कही, उसके बाद बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे? हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पीट रहे हैं, ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा, इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की रेपुटेशन है, और भारत की रेपुटेशन जो 2014 के बाद ऐसी है कि किसी ने भी आंख उठा के देखा भारत की सेना, भारत की तरफ, भारत की सीमा की तरफ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यही नहीं, अगर खतरा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर भी हो तो वहां जाके मारा जाता है। ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। हमारी भारत की सेना, जो जावा सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं, भारतीय सीमा के अंदर एक इंच भी जमीन 2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। जो वहां पर पुरानी आदतें हैं चाइनीज सेना की कि आके आराम से घुसपैठ कर लो, ऐसा नहीं है, अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। डोकलम विवाद जब हो रहा था, आप सब ने देखा किस तरह से पूरी भारत की सरकार, भारत की सेना डोकलम पे जमकर मुकाबला कर रही थी, चीनी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। तभी गुपचुप इनके चाइनीज दूतावास के साथ गुपचुप भोजन कर रहे थे, एक 5 सितारा होटल के अंदर पीछे के दरवाजे से निकल रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। क्या बातचीत हो रही थी, क्या घुसपुस हो रही थी आपस में, कितनी नजदीकियां हो गई चाइना के साथ में। इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जब ये बोलते हैं और वो बात भारतीय सेना के जवानों के कानों तक पहुंचेगी, आप सोचिए उनको कैसा लगेगा।